अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। घबराना नहीं है, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन। इससे पहले कि लोग घबरा जाएं, आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द वीकेंड आई वाज एक्सपोज्ड टू समबडी हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। तो हमने सोचा कि 3-4 दिन की मेरी इंक्यूबेशन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट टू बी सेफ। आप तो इम्यून है मेरे ख्याल है, लेकिन हम शाहरुख को नहीं एक्सपोज करना चाहते, शाहरुख को भी नहीं करना चाहते थे, और हम एक पॉजिटिव मैसेज भी ये देना चाहते थे कि अगर आपको एक्सपोजर हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट आउट, जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है 4-5 दिन का, उसको आइसोलेशन में गुजारें, और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन करें। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल एंड टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी अराउंड यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट हसन, आपके पास ड्रामे कम है, एक ड्रामा कम है आपके पास इस हफ्ते। मेरे पास एक ड्रामा कम है जो कि है मुश्क, और वो इस हफ्ते ऑन एयर नहीं हुआ क्योंकि गालिबन सैटरडे को न्यू ईयर था, नहीं फ्राइडे को था, तो उन्होंने एक्चुअली सैटरडे को बिल्कुल न्यू ईयर नहीं था, न्यू ईयर थर्सडे नाइट को था। सेकंड थी तो मुझे लगा कि शायद न्यू ईयर पे उन्होंने परवाज जुनून चलाई है, इस वजह से उन्होंने मुश्क को रिलीज नहीं किया। तो पता नहीं, आई डोंट नो, पूछना पड़ेगा कि सैटरडे को इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि उन्होंने परवाज जुनून, एक चली हुई फिल्म को जो कि काफी बार चल चुकी है टीवी के ऊपर, भी दोबारा चलाया, और मुश्क की किस्त नहीं आई। तो इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। बहरहाल मुश्क के अलावा वी हैव गॉट थर्सडे के ड्रामे जिनमें है शराब, घिसी पिटी मोहब्बत और बंदे एक डोर से। फ्राइडे को आता है रक्से बिस्मिल, और संडे को आता है छलावा, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस हफ्ते किस्त देखी है छलावे की। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा काम किया आपने। मैं आपको एक्चुअली मैं मैसेज करने वाली थी कि अब छलावा जो है ना हॉरर से लव स्टोरी बन चुकी है, तो अब आप देख लें। नहीं, लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में जो मुझने मुंडी घुमाई है, तो मैं थोड़ा सा डरा उसको देख के। ओहो, लेकिन मैंने ये किस देखी और टू बी ऑनेस्ट मैंने एंजॉय की। तो आज हम इन 5 ड्रामों के ऊपर आमना बात करेंगे। जी ठीक है, और कोई आप मैसेज इंट्रो में देना पसंद करेंगी? मैं मैसेज नहीं देना चाहूंगी बिल्कुल भी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 5 अदर टीजर्स भी हैं नए आए हुए ऑफ अपकमिंग ड्रामास, और मेरे ख्याल है अगर हमारे व्यूअर्स इस बात को पसंद करें तो हम अगला हॉट बाइट्स कर सकते हैं इस पे। हॉट बाइट्स पूरा आपने टीजर्स के ऊपर कर देना है? व्हाई नॉट। नाइस 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 हमना, नाइस, ठीक है। काफी कुछ बातें हैं मेरे पास करने वाली जी, क्योंकि हाँ, मुझे लगा कि हमें पहली सी मोहब्बत के मैंने देखा काफी लंबे लंबे 4-5 टीजर्स आए हैं, और जी पहली सी मोहब्बत का आया है, खुदा और मोहब्बत का पहला लुक आया है, उसके बाद कयामत के काफी टीजर्स आए हैं, फिर एक बड़ा ही अजीब और गरीब ड्रामा है अफेयर, उसके टीजर आए हैं, और रकीब से एक और है, मुझे हमारे जाजन इकरार, तो मतलब काफी कुछ है, काफी काफी सारे। बिल्कुल आप आमना सही कह रही है, तो मेरे ख्याल में इस पे एक हॉट बाइट बनता है। तो इस हफ्ते का हॉट बाइट्स हम डेडिकेट करते हैं सारे आने वाले ड्रामों के टीजर्स को, ठीक है? तो इस हॉट रिव्यू पे आते हैं और इसके 5 ड्रामों की डिस्कशन पे आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि इस तरह की जो मजीद आने वाली वीडियोज हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आए। मिलते हैं आपको इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना। भाई हसन, पहले तो आप ये बताएं कि लड़कियों को मैंने गॉसिप करते हुए सुना है, ये आपने और जायद ने कल इंटरव्यू में मेरे बारे में क्या गॉसिपिंग की है? गॉसिप कहाँ की है हमने, हमने इतनी प्यार भरी बातें की हैं आपके बारे में। गॉसिप तो तब होती जब हम आपकी बुराइयां कर रहे होते, खुदा ना खास्ता। मैं तो बड़े आप लोग वैसे दोनों मीस ने तो अब देखें, जाहिद से मुझे ऑनेस्टली बात करके इतना मजा आया, इतने वो इंटेलिजेंट इंसान है, और जो मेरे सवाल जो उनसे पूछे उन्होंने इतनी ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है। मैंने उनको कहा कि हाउ डू यू असेस ड्रामास लाइक मोहब्बत तुझे अलविदा, लाइक एज फार एज आई एम कंसर्न्ड यू शुड स्किप इट। कौन अपने ड्रामे के बारे में ये कहता है, यू नो, कि मैं खुद उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ। तो वो जो इंटेलेक्चुअली इतने इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन थी, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि आपको हम याद ना करते, क्योंकि द ब्रेन बिहाइंड समथिंग हॉट तो आप ही है ना आमना जी। फिर तो फिर वो जब इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुई, तो फिर जाहिद ने कहा कि यार शुक्र है कि आपसे बात करके भी मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आमना तो मुझे शी कीप्स मी ऑन माई टोज। तो ये अच्छी बात थी मेरे ख्याल में, कॉम्प्लीमेंट था मेरे हिसाब से। नहीं, कॉम्प्लीमेंट था, मैं बड़ी खुश हुई कि
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि लास्ट इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था मैं बड़ा वेरी हूँ इस इंटरव्यू में, व्हेनेवर आई गिव यू एन इंटरव्यू आई एम वेरी वेरी, बट इवन देन उन्होंने दिया और बड़ा उनके साथ बड़ा मजा आता है बात करके. अगेन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज गुड एंड स्टिम्यूलेटिंग. तो आई एम ग्लैड आपने किया और आपको भी मजा आया. मुझे भी मजा आया, उनको भी मजा आया, और अगली बार मजा आएगा जब हम तीनों मिल बैठ के किसी चीज के ऊपर गप लगाएंगे. मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल. आई थॉट आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस अवार्ड बिकॉज इट वाज वेरी वेल डिजर्व्ड. वेरी वेल डिजर्व्ड इंडीड. बंदे एक डोर से के ऊपर मैं तो कोई बात नहीं करना चाहता, आपने करनी है तो कर ले वरना वी कैन स्किप इट. बात है ही नहीं कोई करने वाली एक्चुअली. लेट्स लेट्स स्किप इट. नथिंग Let's skip it because nothing happened in this episode. I think they're making a complete fool of the audience. कि इतना इसको stretch किया है. I know for a fact कि 23-24 episodes लिखी गई थी. It was a good story. It had small messaging. It had very strong family values. It had very good characters. But एक चीज को वो ये chewing-gum को आप इतना खींचेंगे तो मतलब है कि it's just lost its value. अगली episode is the last episode और हमें नजर आ रहा है कि क्या होगा तो obviously हम देख के फिर जो बचपन होता है या जिस तरीके से आप अपने बच्चे ट्रीट करते हैं एज चिल्ड्रन इट इफेक्ट्स देयर मेंटल स्टेट एंड स्किज़ोफ्रेनिया जिन लोगों को होता है यूजुअली उनके बचपन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं. जैसे कि हम देख रहे हैं हूर को साइडलाइन किया जाता था, शी वाज अ थर्ड डॉटर एंड ऑल ऑफ दैट. वो तो ठीक है लेकिन हूर की स्टोरी सर आंखों पर. अब जब वो उसके जो हम गए हैं वर्धा के देवर की तरफ, वो कितना कोई साइकोपैथिक किस्म का खानदान है आमना, कि वो लड़का कह रहा है कि मैं एक लड़की से मंगनी करके तोड़ना चाहता हूँ बदला लेने के लिए, तो माँ बजाय उसको समझाने के आगे कहती है नहीं तुम मंगनी करके नहीं तोड़ो, तुम शादी करके तोड़ो ताकि हम और ज्यादा उनसे बदला ले सके. मतलब किस तरह की ये ट्विस्टेड थॉट प्रोसेस है और इसकी रेलेवेंस शराब की बाकी की स्टोरी के साथ क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई. हूर का अगर हमें बचपना नजर आ रहा है और हम ये बताना चाह रहे हैं कि यार कि उस व्हाई इज हूर द वे शी इज या स्किज़ोफ्रेनिया जो उसको हुआ उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी बैक स्टोरी वहां तक मुझे समझ में आता है, बट वर्धा के देवर की स्टोरी में मतलब व्हाई, एंड वो भी इतनी ट्विस्टेड व्हाई, व्हाट्स द पर्पस, आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे नहीं समझ आई बात. पर्पस पर्पस मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ऑब्वियस पर्पस है वो ये कि लोग जो नहीं स्किज़ोफ्रेनिया में इंटरेस्टेड या जो नहीं डीप बातें सोचना चाहते उनको कोई ना कोई मसाला चटपटा साइड पे एक लव स्टोरी एंगल शिट पॉट चल रहा हो. ये मसाला उन लोगों के लिए है ताकि लोग देखें कि ओ हो अब जो नमल है वो ख्वाब देख रही है असफंदियार के और कैसे वो कह रही है कि बस मैं अब किसी तरह मैं ये ऐसा तीर चलाऊंगी कि असफंदियार हूर को घर छोड़ जाएगा और मुझे वहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. मतलब ऑब्वियसली दिस इज टू अपील टू पीपल हु वांट टू वॉच दिस काइंड ऑफ सेंसेशनलिज्म एंड ड्रामा, बट अनफॉर्चूनेटली देन दे फेल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंपैक्ट दैट अ पैरेलल ट्रैक वुड हैव. आई डोंट सी इट एज अ पैरेलल ट्रैक, आई सी इट एज अ साइड ट्रैक. Or side track. It's a very very unfortunate side track. It's a petty little side track जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. And वो मेरे ख्याल में उन सारे एक्टर्स के साथ भी जाती है जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपना दिन रात एक करके शूट किया होगा और वो किया होगा सारे जिन लोगों ने मेहनत की होगी. So I mean it's pointless. It's utterly pointless कि वो आपने ट्रैक बीच में डाल दिया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो वो एक छोटा सा सीन था किचन में जब हूर और हुमा बर्तन साफ कर रहे होते हैं एंड शी गिव्स हर कॉन्फिडेंस के टूट जाएंगे तो बर्तन ही है ना, तुमसे अच्छे तो नहीं है. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मेहमान आई हुई थी घर पे तो दे प्रेज्ड हर एंड शी वाज हैप्पी और वो चाय लेके आई और फिर ऑफकोर्स उनको उल्टी आई तो हमें अंदाजा हुआ कि मेरे ख्याल है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ थोड़ी सेक्स एजुकेशन भी अगर हमारे ड्रामे दे दें. ऐसा क्यों जरूरी है हसन के इंटिमेसी के साथ ही प्रेगनेंसी जरूरी है? अच्छा आमना मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ ये बात देख के सारी, क्योंकि सराब इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब इन एजुकेटिंग पीपल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया और जो उसकी सारी जहां तक उस टॉपिक की बात है. अब बीच में आपने अगेन एक ये अब्सर्ड सी बात आपने डाल दी है कि लाइक वो इतना पढ़ा लिखा लड़का है असफंदियार, इतना वो ख्याल रख रहा है हर चीजों का, इट इज आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर हिम कि वो इस तरह की कोई चीज में इन्वॉल्व हो के हूर प्रेग्नेंट हो जाए. मतलब यू डोंट सी, मतलब और अगर हो भी जाए, और ये नहीं मैं कह रहा कि मियां बीवी इंटीमेट नहीं हो रहे थे, चलो हो गए, मतलब देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रोटेक्शन यार. यू रियली थिंक असवंत यार जिस तरह से उन्होंने दिखाया हुआ है, ही
he wouldn't know about protection, and who wouldn't know about protection, and like what was that entire conversation. Mujhe ek second ke liye shuru mein laga ki who hallucinate kar rahi hai ya uske dimag mein ye baat aisi aayi hai jo Aswan jis conviction ke sath usko convince karne ki koshish kar raha tha ki nahi ye nahi ho sakta, tumhare dimag mein fitoor hai, apne aap ko busy karo. Like Aswan, don't you know that if you've done the deed or not? It was just very like weird. आपको वो एक छोटा सा शॉट दिखाते हैं जिसमें मियां बीवी बेड में बैठे हुए हैं, आपको पता है ओके दिस मींस दैट दे हैव बीन इंटीमेट, एंड फॉर अस्वन दे आर टू बी सो शॉक्ड, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि हूर को नहीं पता बिकॉज वो ऑब्वियसली शी इज नॉट स्टेबल, शी इज नॉट मेंटली स्टेबल, उसको नहीं पता चलो बच्चे कैसे कंसीव होते हैं, मगर अस्वन दे आर को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So again, I mean, just because they're intimate doesn't mean that they needed to have a baby. Unless now this is quite a stretch, ke, they were actually using protection and then Hoor somehow has become pregnant, which would explain why Aswan Diyar is so shocked. Matlab, that is the only logical explanation. Like, mera... But I don't think we'll ever know because they're obviously not going to go into that. Exactly. Mathira thodi hai Hoor ke. मुझे लग रहा था कि हूर इज नॉट प्रेग्नेंट, तो मुझे लगा कि हाउ वुड अ वुमन हु इज एज ओल्ड एज हूर नॉट नो अबाउट प्रेगनेंसी, राइट? कि हाउ वुड शी नॉट नो कि मैं प्रेग्नेंट. नो, आई कैन अंडरस्टैंड हूर डजंट नो, आई कैन अंडरस्टैंड हूर डजंट नो. But how could Aswan Diyar not know? Yeah, true. I mean, anyway, so that was kind of bizarre. Other than that, जी ठीक है. क्या वो track pointless track के अलावा सोनिया हुसैन की और समी खान की acting is what is keeping it afloat. एक इसमें बड़ा अच्छी तरह से execute करते हैं, ये दूसरी किस में फिर इस तरह की कोई absurdity आ जाती है. तो I can't really make up my mind about शराब. I mean, 20 episodes ho gaye hain. I think she does look and she does behave a little better. Yeah. So, mujhe lagta hai ki jo bhi unka ilaaj ho raha hai, wo something is working. But jaise hamare viewers ne bhi bahut logon ne kaha ki is tarah nahi hota ki overnight schizophrenic patient theek hona shuru ho jaye. It takes years and years. तो ये है कि ये छोटा सफर नहीं है. ये जैसे हमने पिछली बार कहा था, ये ना हो कि अब वो प्रेगनेंसी को दिखा दें कि बच्चा आया तो बस वो मैजिकली ठीक हो गया. इवन तो उन्होंने अच्छा किया कि डॉक्टर के इंसर्ट्स डाले बार बार बीच में, प्यारी हानी के कहते हुए कि जी जी प्यारी हानी के इंसर्ट डाले कि नहीं होना चाहिए बच्चा, अच्छा नहीं होना चाहिए. एनीवे लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोस. किसी पीटी मोहब्बत मुबारक हो आमना, आप और मैं जो पहले दिन से सोच रहे थे वही हुआ. और ही डज हैव द हॉट्स फॉर भाभी, एंड अली अब्बास से आज मैं फोन करके पूछूंगा कि उन्होंने मुझे क्यों ये बात कही कि अच्छा. आई डोंट नो हसन, आई डोंट थिंक एक्चुअली दैट ही हैज द हॉट्स फॉर भाभी. मैं एक्चुअली रिट्रैक्ट करना चाहूंगी अच्छा. अपना ये डायलॉग ऑब्वियसली जी मैं इसलिए रिट्रैक्ट करना चाहूंगी कि मुझे लगा था जैसे कि इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री है दैट और ही हैज अ हॉट्स फॉर हर. I think it's just that they've been through a lot of trauma and turmoil together. Pehli baat to ye hai ki jab bhabhi ka jab bhai faut hua, so they shared that trauma together. Aur ab jab Salman mara jata hai, to they share that gham together. To wo gham unko ikattha karke lata hai, and because they've been together for so long, they have an association that nobody else can replace. Nobody else can take that place. और सामिया और बशारत जब बात कर रहे हैं, यार अली अब्बास परफॉर्मेंस हसन वाज आउटस्टैंडिंग. जब वो रो रहा होता है और जब वो कह रहा होता है कि उसके मुंह का जो हाल था मैं कैसे दिखाता, मैं दफन मैंने वो ना बर्दाश्त कर पाती. आई मीन आई थॉट इट वाज वेरी वेरी टचिंग, इट वाज वेरी वेरी टचिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग. और मतलब थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी था कि यार दिस इज लाइक एग्जीक्यूटेड सो वेल. And so yeah, I think the bhabhi may have the hots for him, but of course that also depends on her financial dependency on him. Aur jo hum agle promo mein dekhte hain ki foran wo ek bade shauk rang ki saadi baandh ke aa jati hain aur kehti hain ki acha ye wo hai, to obviously I mean kuch to okay, hai. Okay, then what lekin phir jahan mard aurat hote hain kuch to hota hai, but it's not ke wo consciously they had hots for each other. What do you make of that dialogue jo Bisharat kehta hai ki bagal maa hamesha kehti thi bagal mein bachcha sheher mein dhindora. हाँ उसने यही कहा ना कि जब मैं हम इतने करीब हैं और वी शेयर्ड सो मच टुगेदर एंड वी लिव टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, आई शुड हैव सीन दिस बिफोर दैट आई शुड हैव जस्ट मैरिड यू. बट माँ क्या भाभी के कॉन्टेक्स्ट में कहती थी, माँ भी हमेशा
या माँ जनरली एक शायद माँ ने कहा और जब भाई मर, अब हमें तो नहीं पता, हो सकता है कि ये कॉमन मसाल तो है, लेकिन हो सकता है माँ ने कहा हो कि जब भाई फौत हुआ कि तुम भाभी के सर पे हाथ रख दो, बिकॉज ये होता है हमारी सोसाइटी में. वी डोंट नो, वी हैवन बीन सॉर्ट ऑफ वो शोन इन सब टू तो दैट ठीक है, फ्लैशबैक, लेकिन बट बेचारी सामिया का क्या कसूर जो उसके साथ ये हो रहा है अब दोबारा? तो सामिया इज रशिंग इन टू मैरिजेस, राइट? शी इज रशिंग इन टू मैरिजेस वेरी रेकलेसली, और वो ये सोच के जा रही है कि जब अब 3 हुई हैं तो 4 हो जाएंगी, तो ऐसा भी क्या है. वो तो ये अब सोच के जा रही है, बट इट वॉज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग वेन वेन शी सेज कि मुझे ऐसा मियाँ चाहिए जो मेरे साथ खड़ा हो और जो मुझे मेरे दिल से दिल मिले, एंड ही सेज कि अल्लाह करे तो मैं अगली दफ़ा ऐसा ही मिले. That was quite sort of, you know, Bisharat turned out to be disappointing, but then I didn't have any expectations from Bisharat from day one. True. वो जिस तरह का ओछा छिछोरा था, दो गर्लफ्रेंड, उनके जेवर खरीद रहा है, ये वो, उसने यही करना था, एंड सामिया इज बीइंग And रेकलेस. it would have been really odd के बशारत सामिया के होते हुए दूसरी शादी भाभी से कर ले और दो बीवियां रखे, वो तो मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन सिचुएशन हो जाती। एग्जैक्टली, नहीं वो तो वो करने नहीं देगी, वो शी वोंट एक्सेप्ट हाँ, दैट. सामिया वोंट एक्सेप्ट। She's not going to accept that. She's not going to accept Yeah. that. On the other hand, I thought that जहाँ बेड वाला सीन बहुत अच्छा था कि बशारत बैठ के रो रहा है, उसी तरह जो कब्रिस्तान वाला सीन था वो मुझे लगा बिल्कुल यूजलेस था, वो नहीं डालना चाहिए था. दे डेडिकेटेड टू मच ऑफ द एपिसोड टू सलमान पासिंग अवे. आई फेल दैट वॉज अ सीन दैट दे कुड हैव आई थिंक अवॉइडेड. दैट वॉज टू, अगर अब जो आप शुरू में बात कह रही हैं कि उन गम ने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है, तो द ट्रामा हैज ब्रॉट देम टुगेदर, तो वो ट्रामा का इफेक्ट भी तो जी दिखाना था ना। ट्रामा ना दिखाते तो फिर ठीक है देम कमिंग टुगेदर और गेटिंग टुगेदर वुडन्ट हैव मेड सेंस। ठीक है. सो उस कॉन्टेक्स्ट में और सामिया थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती है शुरू में, जब वो लाश कहती है, आई थॉट इट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट टू कॉल बट समबडी सामिया इज इज इन डेड चाइल्ड अ कैरेक्टर, दैट्स हु लाश. सामिया इज, शी इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट, यस नोबडी यस एक्सपेक्ट्स सामिया टू बी एब्सोल्युटली पॉलिटिकली करेक्ट। एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और बाद में वो बड़ी कोशिश करती है, वो जिस तरह उसको पैम्पर कर रही होती है बिशारत को, या जिस तरह उसको खाना खिला रही होती है, या जिस तरह भाभी की कुकिंग की तारीफें कर रही होती है, शी इज ट्राइंग टू पैम्पर हिम एंड शी इज ट्राइंग टू से थिंग्स दैट मेक हिम हैप्पी और टू प्लीज हिम, True, बट ही इज नॉट but I kind of इंटरेस्टेड. felt that Pacharad never really loved Samia. You see, या टोटली. आई थिंक इट and he वाज always loved the भाभी। ये मुझे यस फीलिंग आई है ये यस एपिसोड देख के, और जो एंड में उसने बात किया है बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा, दैट वॉज हिज, एंड आई स्टिक बाय वॉट आई सेड इन माई प्रीवियस रिव्यू, दैट वो भाभी की तरफ उसकी अफिनिटी या अफिलिएशन हमेशा से थी, अफेक्शन भी थी, बट उसको शायद किसी लेवल पे लगता था कि ये गलत है, इसलिए वो इधर उधर अपने आप का दिल बहलाता या और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था ताकि वो जो उसकी थॉट है वो उसको ओवरपावर ना करे। बट अब दिस हो इस सकता ट्रॉमा है. के बाद इट फाइनली हैज मेक सेंस टू हिम कि यार कि ये भाभी ही मेरे लिए है, एंड ही इज ऑलवेज लव द भाभी, ही इज नेवर लव्ड सामिया, एंड दिस इज व्हाट द कंक्लूजन इज गोइंग टू बी, नाउ ही इज गोना मैरी द भाभी। या. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द अदर ट्रैक ऑफ आई थिंक इट्स ग्रेट, आई फेल्ट अबुल वेरी हसन हैप्पी, एंड आई फेल्ट ग्लैड फॉर शुएब, अगेन फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज बाय ऑल दीज एक्टर्स, यस यस वेरी गुड वेरी गुड एक्टिंग. एक्टिंग तीनों की, हाँ उस हाँ ट्रैक में जबरदस्त एक्टिंग थी, और फिर जब फाइनली अब वो मुस्कुराहट आई और जिस तरीके से उसने देखा असमारा ने जब शुएब एंटर होता है दरवाजे से डॉक्टर से मिलने के बाद, और फिर शुएब जब चला जाता है एंड शी स्टिल लुकिंग हाँ एट वो बड़ा हिम क्यूट एंड था. स्माइलिंग, तो बड़ी सेंसुअस हाँ सी एक मुझे वो स्माइल लगी कि दिस इज गोना हाँ वो बड़ा लीड क्यूट टू था. समथिंग नाउ, सो दैट वाज ग्रेट, दैट वाज क्यूट, गुड हाँ, जॉब। ऑल्दो मुझे अब था कि आई डिडंट नो कि बॉडी ओडर का डॉक्टर्स के पास इलाज हो, मे बी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो. आप ही ने कहा था ना कि आपने भी थोड़ी रिसर्च की है कि ये होता है इस तरह का मसला एंड डॉक्टर्स के पास हाँ जा सकते हैं, आपने बताया था एक रिव्यू में, नहीं? हाँ बिल्कुल हार्मोनल होता था, बिल्कुल हाँ, तो अच्छा है वो उसने हो जो सकता जो भी है. मसला है उन्हें हाँ फिगर आउट कर लिया, सो दैट्स क्यूट। आई मीन मैसेज ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई इलाज जरूर हाँ होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका इलाज ना हो, बट सेंसिटिवली हैंडल करें और जिस तरह आसमाना ने उसकी बेइज्जती की वो ना करें, बट इलाज जरूर होगा ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आम ना, का. जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा अपने व्यूवर्स के फीडबैक को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपका इस कमेंट के बारे में क्या ख्याल है? पिछली बार किसी ने कमेंट किया कि हसन और आमना इतने जाहिल और बेवकूफ हैं, उनको घिसी पिटी मोहब्बत समझ नहीं आया। क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? तबसरा करना चाहेंगे कोई?
I'm so happy that Einstein और प्लेटो और सोक्रेटिस जैसे लोग हमारा ड्रामा हमारे रिव्यू देखते हैं. ठीक है, इसका जवाब ये है इसका कि मैं ऑनर्ड हूँ कि सोक्रेटिस और प्लेटो जो हैं वो हमारा रिव्यू देखें, देख रहे दुनिया हैं. में हर तरह के आईक्यू के लोग होते हैं। मैं और आमना वो लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल बड़ा थोड़ा है, और हम बेवकूफ़ से लोग हैं, और हम अपनी अकल के हिसाब से जो हमें बात समझ में आती है हम उसका जवाब दे देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम जी बेवकूफ़ हैं और हमारा आईक्यू लेवल आपके आईक्यू लेवल को मैच नहीं करता, तो ये वही बात है जो फ़हद मुस्तफ़ा भी कहते हैं, जो हम भी कहते हैं, जो सारी दुनिया कहती है, कि अगर आपको कोई कॉन्टेंट अच्छा नहीं लग रहा होता ना देखा करें, ख़त्म कर दिया करें, आगे मूव ऑन कर दिया करें, और अनसब्सक्राइब कर दिया करें, रिमोट पकड़े और चेंज चेंज करें। चैनल. और फिर मैं तो ये कहूंगा कि अनसब्सक्राइब करके करने के साथ ब्लॉक भी किया करें, ताकि आपकी नज़र से ऐसी कोई वीडियो गुजर ना जाए दोबारा। बेवकूफ़ लोगों की बेवकूफ़ाना बातों को आहो क्या फ़ायदा, अपना अपना आईक्यू लेवल आहो, क्यों आप हाँ कम कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग बिल्कुल ऑन सही टू कहा. आमना जी, एक और ड्रामा है जिसका नाम है छलावा, जो कि मैंने देखा और मुझे बड़ा मज़ा आया ऑनेस्टली देख के। मजा आया. इस ये एपिसोड तो था भी पहले बड़े तो मजे मैं तारीफ का. करना चाहूंगा अली अंसारी और नूर की, जिन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस है, जोड़ी भी दोनों की बड़ी अच्छी लग रही अच्छा, है। मेरे ख्याल है आप ज्यादा तारीफ कर गए हैं शुरू में अच्छा, ही. मुझे तो अच्छा, मैंने क्योंकि जी देखें एक इट्स पॉसिबल बिकॉज मैं जब ये ड्रामा देख रहा था ना, तो मैं बड़े उससे देख रहा था, वो जैसे एक छोटे बच्चे को, नहीं आप किसी प्लेलैंड जॉयलैंड टाइप सिचुएशन में। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज पिछले 9 हफ्तों से मैं आपका रिव्यू सुन रहा हूँ हर हफ्ते, और आप माशाल्लाह इतना प्यारा रिव्यूज का देती हैं और इतने तरीके से समझाती हैं, मुझे लग रहा था कि मैं इन सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे ये मेरे को रिश्तेदार हैं। तो मैं वो बड़ा खुश हो रहा था उनसे देख के उनको, और उनके फिर वो इस बार तो क्या नाम है, मानूर ने पूरी स्टोरी भी सुनाई कि तुर्क खानदान से कैसे उनका ताल्लुक था, और खिलाफत खिलाफत उस उस्मानिया के वक्त उस्मानिया के पे. वक्त से कुछ बुजुर्गों ने कुछ ताकतें ट्रांसफर की थी इनको, तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एब्सोल्युटली, एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत डेवलपमेंट हुई इस एपिसोड में. सबसे पहली बात तो ये कि अली अंसारी का जो कैरेक्टर है, हारिब खान ज़ादा, उनका इंट्रोडक्शन होता है और वो दिखाया जाता है कि बहुत ही हॉट हेडेड. और पहले तो वो आके कुट चाड़ते हैं एक अपने फेलो स्टूडेंट की, उसके बाद उनके घर के आगे शौकत साहब के मेहमानों ने गाड़ी पार्क की होती है तो उनके हाथ में ऐसा वेपन होता है कि वो शीशे वीशे तोड़ देते हैं नहीं, और कोनी मार के नौकर की भी तोड़ देता, पेस. वो कोनी मार के नहीं, तोड़ हाथ देता। में कोई छुरी टाइप चीज होती है उसके, अच्छा जेब से निकालता है. हाँ, तो अच्छा मतलब है ही शोन टू बी एक्सट्रीम रेज 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 प्रॉब्लम वाला बंदा. एंड और फिर हम देखते हैं कि जब बैठी होती है सवेरा सीढ़ियों पे एक दिन, तो उसको लगता है जैसे कि सरनाश जो है वो पीछे बैठा हुआ है. तो आई डोंट नो वेदर सरनाश इज इन हर थॉट्स और अराउंड हर और ही इज मेड अ कमबैक, बट ही ऑब्वियसली गोज एंड पोजेसेस हारिब्स बॉडी. हाँ, सरनाश हैज टेकन ओवर हारिब्स बॉडी, जो जिस पे बात। यस, सरनाश हैज टेकन ओवर द बॉडी ऑफ हारिब. एंड बीच में हमारा जो बेचारा सरोज भाई है, अब मेरा ख्याल है कि जब सवेरा पैदा हुई थी तो सरोज भाई की उम्र 6-7 साल से कम नहीं थी, 4 साल बिल्कुल नहीं थी. मगर अब दिखाया हुआ यही है कि उनका 4 साल का फर्क है, बिकॉज वो कहते हैं ना कि मैं भी 4 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वो फर्स्ट ईयर में आ रही है, ये ग्रेजुएट कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि सरोज भाई अपने काम से काम रखे और इन दोनों जवान लड़के लड़कियों का और रोमांस हमें देखने अब दें जरा। मैं चाहती हूँ सरोज भाई अपने हार्मोन्स को काबू में रखें काबू में क्योंकि रखें, हाँ, और सरोज भाई के ऊपर जो पापा है ना, पापा सरोज भाई के पापा, आपको याद हाँ होगा कि एहद वफा में मेरे ख्याल में ये वही थे, या नहीं कोई और था। एहद नहीं, ऐसे वफा वफा में में, थे, आई डोंट एहद वफा नो. में जो अलीजे का कजन होता है, वो यही एक्टर थे जो सरोज के पापा, या कोई और थे? अगर नहीं थे नहीं, तो कोई इन और दोनों थे, कोई एक्टर्स की और शक्ल थे. आपस में बहुत मिलती है। मेरे मुझे नहीं भी याद, मुझे लगता है कोई और मैं थे. हमेशा कंफ्यूज देखिए हो यार, जाता वैसे ये हूँ। बात है कि सरोज की जो अम्मी है ना मेहर, वो वैसे एज बड़ा अच्छा की है, वो इतने सालों में हाँ, एजलेस ही है वो सारे. एक तो एजलेस है, सवेरा भी, मानूर, सवेरा मानूर को तो मानूर भी देख के एजलेस है. हाँ यकीन करें, नवीन तो बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी वो हमसफर में दिखती थी यार, इतने साल हो गए उनको। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कल उनको देखे, माशाल्लाह, बट कुडोज, एक्सेलेंट। उन्होंने अपने बड़ा वर्कआउट भी करती हैं, और बड़ा अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखती जी हैं, दैट्स बिल्कुल एक्सेलेंट। बिल्कुल बिल्कुल. नो नो, इट्स वेरी गुड टू एनीवे, सी एक्चुअली. वी वी डाइग्रेस. डाइग्रेस। हाँ, वी बट डाइग्रेस. तो ये अब यही है कि सरोज भाई के साथ बड़ा बुरा होने वाला है. आमना, एक सवाल का जवाब दें, और एक जी सवाल का जवाब। आप हमेशा से देखती आ रही हैं छलावा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पहले दिन जब
दादी को ये पता चलता है कि ये जो बच्चा है इनका, जब ये पैदा होती है सवेरा, और दादी देखती हैं कि कोई और है साथ में, और वो सारी चीज, और शुरू में सारा जो भी सिचुएशन होती है, अगर ये खुद खिलाफते उस्मानिया से हैं पूरा खानदान और ये सारी चीज, तो इनके लिए इतनी ऑड बातें क्यों थी या नहीं थी मुझे नहीं पता। मैंने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे थे पहले एपिसोड के बाद, बट द फैक्ट के डॉक्टर हमदानी आते हैं, डॉक्टर हमदानी आके बताते हैं कि आमिर का भी कोई ताल्लुक था और ये सारी चीज थी, तो ये बात इनको खुद नहीं थी पता ऑलरेडी सारी चीजें। जरूरी नहीं हसन, जरूरी नहीं कि पता हो, बिकॉज जिनको वो इल्म मिले या ताकत मिले उन्हीं को पता होता है। हो सकता है कि आमिर के वालिद साहब को पता हो और माँ को ना बताया हो, यू नो, नहीं, इस इट इज एपिसोड में तो पॉसिबल। बिल्कुल क्लियर है, मानूर पूरी बात बताती है उसको कि आमिर आता है, आमिर के पास वो इल्म था, आमिर के पास वो ताकत थी, फिर आमिर के जिस तरह से मरा है वो पूरी सिचुएशन उसने नरेट की है, सवेरा को सारी बात बताई है। सो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि मानूर ऑलवेज न्यू दिस सिचुएशन आई कि यार फील मे बी कि दैट्स वाई शी वॉज नेवर सो अफ्रेड और सो शॉक्ड बाय वॉट्स हैपनिंग, क्योंकि जितनी किस्तें 9 किस्तों में, कभी भी मानूर इतनी शॉक नहीं होती कि हाय पता नहीं हो क्या रहा है हमारे घर में। नहीं, शी काइंड ऑफ बट शुरू की 8 किस्तों में ये बात कभी भी नहीं ब्रिंगअप हाँ की नहीं गई हाँ कि ये है ऑड, ये है ऑड, ये ऑड बात है कि भी जब वो पैदा हुई है और उस वक्त से जब वो डॉक्टर हमदानी भी कह रहे हैं और हर बंदा कि इसको हुआ क्या है, उसी वक्त शी शुड हैव, आई मीन ये बात उस वक्त भी उठ सकती थी। एंड व्हाई हैज शी टेकन हर सो लॉन्ग टू टेल अपना सवेरा सवेरा, हाँ कि मैं आपको बार बार, कोई ऐसा कोई वो सीक्रेट तो नहीं है कि बताना ना चाहे या नो उससे बड़ा बिट्रेयल? है Have मानूर एंड दादी have had any conversations इस नौयत की आपस में कि देखें नो जी था नो आमिर को था ये भी, नो सवेरा को भी यही हो रहा है, दादी जब नो लेके गई है सवेरा को मौलवी साहब के पास, मानूर को गोरकर नजर आ रहा है कितने अरसे से, सवेरा के साथ वो जी सरनाश था, they've never जी spoken about this कि यार कि नो आमिर की नो तरह इसके पास भी शायद कोई पावर हो नो कुछ हो, नथिंग। नो तो मुझे मुझे छलावा देख के ऐसा लगता है कि हर मोड़ पे ना उनको जो हॉरर फिल्म्स हम लोगों ने देखी हैं बचपन से, उसका जो पार्ट पसंद आता है वो डालते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आमिर की मौत जिस तरह दिखाई है कि हिज बॉडी इज टेकन ओवर बाय अ डीमन जिसकी आपको आवाज आ रही होती है जैसे कोई स्नार्लिंग वेयरवुल्फ होता है, तो मतलब स्नार्लिंग वेयरवुल्फ कहाँ से आया है भाई? हम बिल्कुल डिफरेंट नहीं, सुपरनैचुरल आया रेन और में थे। हाँ मार के चला गया, उसने मानूर को नहीं उस वक्त पोजेस किया, दादी को नहीं पोजेस किया, क्या किया उधर से, वो चला गया, कहाँ गया, वो किधर गया। नहीं, वो कहाँ भी गया, और बिजली जो है वो वही स्टैटिक और अप्स एंड डाउन वोल्टेज की हुई जो कि सुपरनेचुरल प्रेजेंस से होती है, लेकिन आवाजें उसकी वेयरवुल्फ की थी। तो मुझे लगता है इनको जो मिलता है वो डालते जा रहे हैं। सो अब आई अगले मीन इट्स एपिसोड में हमने नॉट, देखा हाँ कि जो हारिफ की अम्मी जो है अब डिस्कवर करेंगे कि हारिफ इज पोजेस्ड, इज और हारिफ अपनी पोजेस्ड। पूरी मुंडी घुमाएगा 360 डिग्रीज, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री अच्छा करके हारिफ, फिर आई वो। हैव टू से आई एम सो हैप्पी टू सी अली अंसारी इन अ रोल व्हिच इज नॉट अ साइड रोल, जहाँ पे उसको प्यार उसका खोया जा रहा है, जो मुकद्दर वाला उसका रोल था ना, हाँ अली अंसारी हैज डन दैट कैरेक्टर टू मेनी टाइम्स। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम इन दिस न्यू रोल, यू नो, देखें, फिर ही इज अ आपके क्यूट न्यू आपके एक्टर। आपके बॉय ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि सरनाश अली अंसारी ही होगा, आप बिल्कुल, आपने बगैर देखे आपने जबरदस्त की थी है ना। बगैर देखे आपने बिल्कुल सही की थी, ये बिल्कुल सही था। अच्छा जहाँ तक नूर की बात है, नूर खान की, आई थिंक कि जहाँ उसके हॉरर होते हैं ना पार्ट्स, वहां पे वो बिल्कुल हाँ सही बैठती है विद हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड हर बिग आईज एंड हर काइंड ऑफ, आई वुडंट से क्रीपी डिमीनर बट काइंड ऑफ लॉस्ट एंड यू नो सुपरनैचुरल टाइप। लेकिन जहाँ वो स्वीटी स्वीटी और वो करने की कोशिश कर रही है ना, फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन सीन है जब वो अपनी किताब जो है वो छोड़ देती है और उसको कहती है कि लड़कियों से बात करने का ये तरीका है, शट अप एंड ऑल दैट। फिर वो घर जाती है, वो गार्डन में वॉक कर रही होती है तो सोचते सोचते कहती है हाय मैं अब अपना काम कैसे करूंगी, नहीं कहती कि मेरे पीछे पड़ गया था इडियट, ओ नो, तो आई थॉट दैट वाज सो फेक, इडियट एंड ओ नो वाज सो आई थिंक फेक, वो इट वॉइस ओवर वाज हुआ था ना, इसलिए आपको लगा वॉइस ओवर हुआ था ना मेबी पीछे, और मेबी वो वॉइस ओवर मेबी और उस वक्त एक्सप्रेशंस जो भी थे वो ऑब्वियसली उन्होंने तो अलग अलग शूट किया होगा और रिकॉर्ड किया होगा, तो पता नहीं मेबी होगा मेबी इस बट आई वक्त। लाइक द पार्ट व्हेन शी इमीडिएटली आइडेंटिफाइज कि इसमें कुछ है, मुझे वो अच्छा लगा कि हाँ, उसको बट आई एकदम ऑल्सो लगता है कि थिंक दैट हारम में कुछ है, और फिर सरोज भाई उसको भी मतलब डालती है कि तू भाई है भाई रहे आई थिंक नूर ने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है, मुझे अच्छा लगा उनका काम, मुझे अच्छा लगा पसंद आपको आई उनकी काम, एक्टिंग। हाँ, मुझे एक्टिंग पसंद आई नूर की, अच्छी बात शी है। हैज पोटेंशियल। क्या शी है इज, नो यार नो शी इज आमिर, गुड,
नहीं अब वैसे तो नहीं ना हसन, अब एक इसमें आप इतना उठा देते हैं, इतना चढ़ा देते नहीं हैं। मुझे अच्छा, मैंने उनका काम मुझे पसंद आई उनकी एक्टिंग, आई थिंक शी हैज पोटेंशियल। I think she's fit into the role pretty well because you needed somebody like that who looked a bit sort of, you know, supernatural type. हाँ हाँ अच्छी कास्टिंग हुई। मैंने जैसे कहा अली को देख देख के मुझे आपको भी खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई, उनका रोल थोड़ा डिफरेंट है तो मज़े का है। मुझे अच्छी लगी एपिसोड, मुझे पता नहीं अब मैं कितनी और मजीद किस्तें देख सकूंगा, लेकिन इट्स डेफिनेटली मेरे ख्याल है इंटरेस्टिंग एंड आप वर्थ देखते वॉचिंग। रहे, इट्स टर्निंग इनटू अ बिट ऑफ अ लव स्टोरी। आई डू फील दैट बीइंग अ हॉरर लवर ऑफ हॉरर द जॉनर थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस जा रहा है। वही बात है ना कि वेयरवुल्फ भी डाल दिया, डीमन भी डाल दिया, ग्रेवयार्ड अंडरटेकर भी डाल दिया आपने, पोजेशन भी डाल दी, सुपरनेचुरल भी डाल दिया, खिलावते उस्मानिया के जिन भी डाल दिए, तो आप मतलब हो क्या रहा है, उसका यू नाम नो। में भी तुर्क आता है, सवेरा के हाँ नाम के एंड जी, में भी तुर्क आता सवेरा है, आमिर तुर्क। तुर्क। अच्छा सरनाश ने जो इसको टेक ओवर किया वो की मोमेंट है जब ये अपने दोस्त के अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और ये पीछे मुड़ के देखते हैं, दैट्स व्हेन सरनाश टेक्स ओवर हिज And बॉडी, he's राइट। playing with a tennis ball, right? एंड वो तो बाद में आता है टेनिस बॉल वाला पार्ट, और हाँ ये इसी वजह से अब इसका गुस्सा भी कम हो गया, सब कुछ हो गया, बिकॉज सरनाश इज नाउ इन कंट्रोल ऑफ दिस Sinash is बॉडी। in control and Sinash has so much power that he doesn't need to sort of throw it around. हाँ, और वो उसने उसको हदूकिन वाला भी मार के उसको दाओ जो स्ट्रीट फाइटर में होता था वो लड़के को भी फेंका दूर और फिर खुद ही जाके उसको उठा के वापस ले आया, वो सो इतना गुड चीप सीन था, हाय वो कितना चीप सीन था, हदूकिन, इट वाज गुड, वो आई इतना लाइक। अननेसेसरी सीन था। कहते हैं अब तू मुझे बता, कहते हैं मेरे करीब ना आए, मतलब इट वाज सो लाइक इट वाज अ बिट चीजी, और बट या उसको ओके। लड़की को हाँ नहीं हाथ लगाना चाहिए था वैसे, बाय द वे। नहीं मगर उसने अच्छा किया, उसने दिखाया, उसने साबित किया कि वो ऐसे भी छेड़ सकता है। हाँ एनीवे, मूविंग ऑन टू रक्से बिस्मिल। जी, हाँ जी आमना जी, हाँ आपने जैसे कहा कि मूसा इज गॉन, तो मूसा इज तो गॉन 100%। मूसा इज गॉन। मूसा इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, मूसा इज वेरी इफेक्टिव, एंड बोथ मूसा एंड सारा खान टुगेदर आर वेरी वेरी इफेक्टिव। आई एम लविंग द बिल्डअप, द वे इट्स हैपनिंग। मूसा ऑफ कोर्स इज कम्प्लीटली गॉन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसको पता चलेगा कि ये नाचने वाली है और ये कोठा है, इज ही गोइंग टू लूज इंटरेस्ट इन हर, बिकॉज है तो गद्दी नशीन, है तो पीरों के उससे, और इज ही स्टिल गोइंग टू बी गॉन। हाय मेरी प्यारी आमना जी, अगर वो इंटरेस्ट अपना लूज कर देगा तो फिर ड्रामा कैसे चलेगा। हाय रक से बिस्मिल, नहीं लेकिन बिस्मिल इसको का पता कब रक्स, चलेगा, शादी से पहले पता चलेगा, बाद में? नहीं पहले ही पता शादी चलेगा तो ऑब्वियसली, बात ही नहीं पहुंचेगी शादी तक। आप मगर क्या, मेरा नहीं ख्याल ये ओएसटी में टिपिकल। तो निकाह शिका है भाई। अच्छा मैं तो देखते नहीं इसलिए ओएसटी, मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये गोइंग बैक टू द फर्स्ट एपिसोड जो उसने सकीना ने बद्दुआ दी है उसको कि काश तुम भी किसी से प्यार करो तो और तुम्हारी वो ना हो, काश तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह ना जाए, हो। हाँ तो हाँ मेरे तो ख्याल में ये कहानी फिलहाल तो उस डायरेक्शन पे जाएगी, आगे का मैं नहीं कह सकता, पच्चीस और छब्बीस सुहीना ने एपिसोड। थोड़ा मीसना रोल भी प्ले किया है, जो वो उसको कह रही होती है कि हाँ 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 सितारा है ना, अभी बात पक्की करें, अभी सेट करें, उसने सुन लिया ना कि मूसा इज नॉट इंटरेस्टेड, तो उसने कहा कि इज नॉट फिर मूसा भाई इंटरेस्टेड। की तो शादी मैंने इधर ही करानी है। वेरी इफेक्टिव एग्जैक्टली सेकेंड एपिसोड एज वेल, एंड देन गुले राना यस, जी को हम इंट्रोड्यूस हुए फाइनली, हमने उनको एक अलग रोल में, पता नहीं अलग रोल में देखेंगे अमेजिंग या नहीं देखेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। यार गुले राना जी को आमना, हम हर बार उनकी इतनी तारीफ करते हैं यार, उन्होंने देखें अभी अपने पेरेंट्स पे कितना काम किया है, अंगूठियां शूठियां जी जो उन्होंने पहनी हुई हैं, जिस तरह से जी उन्होंने अपने कपड़े और सारा कुछ डिमीनर, वो पूरी बॉडी लैंग्वेज वो चेंज कर देती हैं अपनी, बिल्कुल कितनी बिल्कुल वो जबरदस्त एक्ट्रेस हैं यार, कितनी बिल्कुल वो कमाल की अदाकारी करती है, बहुत मजा आया। एंड आई हैव टू बिल्कुल अगेन से आमना, ऑल दीज प्लेसेस दैट देव टेकन, प्रोडक्शन क्वालिटी की जो मैं पिछली बार भी बात कर रहा था, वो एक आप फ्रेम देखें जहाँ पे महमूद साहब बैठे हुए हैं और वो दूसरे पीर साहब आए हैं और वो लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और दोनों बेटे बैठे हुए हैं, वो आप सिर्फ फ्रेम वो देखें और वो जगह देखें, उन्होंने किस तरह की वो बिल्डअप किया, उसका क्रिएट किया है वो लोकेशन। फिर आप ये वाली लोकेशन देखें जिसमें ये अन्ना जी थी और ये सारा इज गेटिंग रेडी टू गो टू कॉलेज और व्हाटएवर, वो आप लोकेशन देखें यार, ये कितनी एफर्ट जाती है इस तरह की लोकेशन, मुझे तो लगता है हमने बिल्कुल। टीवी पे इस तरह की लोकेशन देखी नहीं इतने लंबे अरसे में, जो नहीं इतना देखी वेल है हमने, डिफाइंड, मगर लोग इतना, हाँ मगर इट्स ऑलवेज गुड टू सी। इट्स गुड टू सी कि आप इतनी एफर्ट डाले बैकड्रॉप के ऊपर, बैकग्राउंड में जो आपको चीजें नजर आनी है, जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, जिस जगह पे वो सीन आपने शूट करना है, यार वो इट इट
इट्स एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दैट फ्रेम, और व्यूअर का एक्सपीरियंस कितना बेहतर हो जाता है। आई एम सॉरी मैं परफॉर्मेंसेज और स्टोरी से हटके इस बात को बात करूं, लेकिन मुझे रक्षित बिस्मिल की बात बहुत पसंद है, पहली एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी, कि आप जो छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखते हैं पीछे, वो बहुत आपको एक एक खूबसूरत एक्सपीरियंस देती है व्यूअर को। सो आई रियली एंजॉय दैट द होल सीक्वेंस ऑफ द गर्ल गेटिंग ऑफ द बस एंड वॉकिंग थ्रू दोस गलीज टू हर हाउस, ब्यूटीफुली शॉट, वेरी वेरी वेल शॉट, वेरी वेल शॉट। ओहो क्या कमाल की। एक मुझे छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि वो उन्हें मूसा आया और मूसा ने देखा बस में कोई नहीं है और वो जाने लगा और उसी वक्त वो आके बैठ गई, इतना मुझे लगा कि खैर क्रिएटिव लिबर्टी है, बट शायद एक दो बसें अगर वो दिखा देते तो जरा। मेरा भी ये ख्याल था कि यार एक दो बसों में ख्वार हो जाता, इतना मुसाफिर क्यों आए थे, इतना कराची में, कराची में इतना आसान नहीं है कि एक ही बस में वो बैठा, और या शायद उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की वो दूसरी बस में गया हो अंदर, मुझे नहीं पता, बट इंप्रेशन ये आया कि वो एक ही बस में गया है अंदर और उसी पहली में पहली बस में चढ़ा है, वहीं उसको लड़की मिल गई, बिल्कुल, बिल्कुल और उसी बस स्टॉप पे वो खड़ा हुआ था, उसी बस स्टॉप से वो चढ़ा और उसी बस स्टॉप से अगर वो चढ़ी है तो वो दोनों वुड प्रॉब्ली बी देयर आउटसाइड राइट एट द बस स्टॉप। सो ये थोड़ी चीज, और प्लीज सारा के हाथ में किताबें थी, कॉपियां थी, और जब वो बस से उतरी है तो वो कॉपियां मैजिकली डिसअपीयर हो गई हैं। आई कुडंट सी अ बैग ऑन हर, के बंदा बोलता कि बैग में रख दी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जहाँ पे इतनी प्रोडक्शन क्वालिटी बड़े लेवल की है, बड़े स्केल पे है, सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस चाहे वो सारा हो, रिटन बाय हाशिम नदीम साहब, हाशिम भाई से मेरी बात हुई ओवर द वीकेंड, तो उन्होंने ये बताया कि एक छोटी सी चीज है कि जो मूसा मूसा और ईसा हैं, ईसा इज एक्चुअली 2 years 2 months यंगर देन सकीना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे रिव्यूज में भी पिछली बार ये सवाल उठाया कि जो सकीना की माँ है वो मूसा की रजाई माँ कैसे हो सकती है, बिकॉज मूसा इज ओल्डर देन सकीना, सो सकीना इज 2 years older than Isa, which would mean that Sakina and Musa are almost the same age, or Musa would probably be a year older than Sakina, which would mean that it is still possible for Sakina's mother to be. Makes a little more sense now. बिल्कुल. Musa's Razai Ma, because जी, जी, जी. Musa, if Musa, if should I explain it more or just समझने वाले समझ गए? No, it is evident now. I think it makes more sense now. Yeah. It makes more sense. तो ये था। एनीवे इन टर्म्स ऑफ स्टोरी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वेरी इंट्रीगिंग, वेरी इंटरेस्टिंग बिल्डअप, और जैसे आपने पिछली बार कहा था, हर किस पहली किस्त देखने के बाद भी और अभी दूसरी किस्त देखने के बाद भी यही इमोशन और फील आती है कि यार के तीसरी किस्त में क्या होगा, कांट वेट टू वॉच। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ शाउट टू महमूद साहब, क्योंकि मैं घर में मेरे पीछे टीवी पे कभी ना कभी वो बुलबुले चल रहा होता है आप देखें यार महमूद साहब की रेंज के वो यार ये होती है बात, ये एग्जैक्टली ये होता है खानी में वो कैसे थे खानी में, फिर आप उनको दूसरे उनके ड्रामों में देखें, फिर रक्षित बिस्मिल में, यार ये वो एक लेजेंडरी एक्टर की रेंज है यार, क्या कमाल के वो अदाकार है। और यू नो तीफा ट्रबल में वो जो थे, अब जब रक्षित बिस्मिल में आप देखते हैं आपको बकायदा तौर पे उनसे डर लगता है यार कि अब यू नो कि ये रोब दबदबे वाले इंसान है, दूसरी तरफ बुलबुले में आप महमूद साहब देखते हैं आप कहते हैं यार ये तो बड़ी है हमारे, क्या कमाल के एक्टर हैं, क्या कमाल के एक्टर हैं, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये था रक्षित। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट रक्षित बिस्मिल? नो आई एम जस्ट आई मीन इट्स जस्ट रियली गुड टू वॉच, आई एम रियली हैप्पी दैट दे मेड दिस एंड द कास्टिंग इज सो गुड एंड आई एम जस्ट रिइटरेटिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या होगा। ऑफ कोर्स सारा लुक्ड वेरी हसीन व्हेन शी वाज गेटिंग रेडी। सारा इज हसीन, बिल्कुल सारा इज हसीन, बट शी लुक्ड वेरी हसीन। फारूक दरबार साहब को भी हमने देखा, गुरुजी जो डांस मूव सिखा रहे थे लड़कियों को, लड़कियां कहती हैं कि जी हमने तो वेस्टर्न गानों पे डांस करना होता है तो आप हमें क्या ये सिखा रहे हैं, आप हमें क्यों क्लासिकल सिखा रहे हैं, जाके तो हमने वही बॉलीवुड के गानों पे करना है। सो या इट्स अ डांसिंग हाउसहोल्ड, और मूसा ने कहा था मेरी बीवी ऐसी हो जिसके हाथ भी किसी ने ना देखे हो। हां जी, तो मूसा ने तो लग पता जैसी फिर हाँ, वो लड़की कह रही है कि मैं तो बुर्का इसलिए पहन के जाती हूँ क्योंकि हम लोग इतनी पार्टीज पे जाते हैं तो कॉलेज में मुझे कोई पहचान ना ले और फिर इतना शोर शराबा ना मच जाए। Exactly, which is also very good to explain. वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखते हैं कि जी मूसा की जिंदगी में क्या तब्दीली और टर्मोइल लेके आता है उसका ये पता चलना कि हाँ जो खातून है, क्या नाम पता चल गया हमें लड़की का, पता चल गया ना, जोहरा, जोहरा की असलियत जब मूसा को पता चलेगी, ओ मेरी जोहरा जबी, क्या वो फिर भी जोहरा से शादी करना चाहेंगे, यानी
जी ठीक है, ये थे आज के पांच ड्रामे। कल मेरा जाहिद के साथ इंटरव्यू आया जो आमना ने बड़ा एंजॉय किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आपका फीडबैक तो बड़ा अच्छा आया उसके ऊपर, तो उस अच्छे फीडबैक का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद इंटरव्यूज आपके पास लेके आए। जैसे हमने आपको बताया था, नए प्रोग्राम्स भी हमने इंट्रोड्यूस कराने हैं 2021 में, उनकी भी प्लानिंग चल रही है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें इन सारे प्रोग्राम्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। अच्छी बात है अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हम अपनी जो अपडेट्स हैं और अपनी जो तस्वीरें हैं जो हम अपने इंटरव्यूज़ के या शूट्स के ऊपर लगाते हैं, वो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल विशिंग आमना ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी हमारे दुआएं आमना के साथ हैं, बट शी इज अ ट्रूपर। शुक्रिया वो शुक्रिया इंशाल्लाह जल्द फेस टू फेस हमारे साथ वीडियो में हाजिर होंगी। आमीन तो तब तक के लिए आमीन खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।